हाँ चलिए हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हुए ठीक है, हम लोग स्ट्रेट लाइन का टॉपिक हम लोग पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे ठीक है। बस कल आपको सिंपल टॉपिक स्ट्रेट लाइन का पढ़ाने का कोर्स कर रहे थे। स्ट्रेट लाइंस में हम लोग इक्वेशन निकालना सीख चुके हैं, एंगल सीख चुके हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सीख चुके हैं, कॉन्कर्रेंसी ऑफ लाइन सीख लिए और ठीक है बस पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन का कंसेप्ट सीख रहे हैं, सीख चुके हैं। उसके बाद ऑर्थो सेंटर कैसे निकलता है, सर्कम सेंटर, ये सब जानते ही हम लोग। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। देखो टॉपिक शुरुआत करने के पहले फिर भी आपको जैसे आपका ऑब्जर्वेशन लगता है कि आप थोड़ा सा इसको कम ध्यान दिए, तो ये गलती नहीं कीजिएगा। इजी टॉपिक हो या टफ, हम लोग को ये छः क्वेश्चन दिला रहा है। अगर हम इसको चार महीना से हम रख रहे हैं, चार महीना हम इसका टाइम लिए हैं, और लेकिन छः क्वेश्चन जो हम लोग का हाथ में आएगा वो पूरा तरह से ग्रिप में आएगा 100%। तो आप फुल फेथ मेरे पर रखते हुए पढ़िए। अभी आपको हम सेक्शन टू नहीं स्टार्ट किए हैं, लेकिन आपको उतना हवाने का जरूरत भी नहीं है। इस वीक में 17 तारीख तक की बात कर रहे हैं, आप हमको पहला चैप्टर से एल कॉम से 17 तारीख का ही बात कर रहे हैं। 17 भी नहीं रखो, आज हम लोग का 13 हो गया ना, 14, 15, 17 तारीख रखो। 17 तारीख तक आप हमको क्वाड्रेंट ऐसा रगड़ के दो कि आप 11th का अगर हम आपको स्ट्रेट लाइन देगा क्वेश्चन तो आप उसको आसानी से बना दो। तुम किसी तरह का लेवल, तुम इसको इजी समझो या टफ समझो, जैसे रटना जैसे समझना जितना प्रैक्टिस करना करो, लेकिन हमको वो पूरा दो तो तुमको हम पूरा का पूरा इस मंथ हम पूरा लेंगे, पूरा मई हम ले रहे हैं, और उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन वो देंगे ताकि एग्जामिनेशन में वो बन के आए ठीक है। बात किसी भी कारण तरीके परिस्थिति में छूटेगा नहीं, लेकिन पूरा तरह से तैयार होना चाहिए। लूप बने ऊपर ऊपर आप ट्राई कर ले, अच्छा ये क्वेश्चन मेरा बनता है, ये मेरा बन जाएगा, तो क्वेश्चन धोखा हो जाएगा। आप तेजी बना दीजिए, आप जो कल घर में पहले आप 11 में 3 मिनट 5 मिनट बनाते थे, आप उसको आधा मिनट बनाइए, जंप कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, जंप अवॉइड नहीं कीजिए। जैसे आइए नेक्स्ट इसी क्रम में हम लोग का एक टॉपिक है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू ए गिवन लाइन। कोई पॉइंट दिया हुआ अल्फा बीटा और उससे किसी स्ट्रेट लाइन पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, कोई पॉइंट है वहां से किसी लाइन पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होगा, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, लेकिन तब भी जाने तो लाइन दिया होगा, लाइन के इक्वेशन में एक्स की जगह पर अल्फा, वाई की जगह बीटा प्लस सी और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए, पॉइंट और लाइन का इक्वेशन, पॉइंट और लाइन का इक्वेशन। चलिए चलिए बनाने की कोशिश करते, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तुम ठीक है इसे बच्चा लेवल का क्वेश्चन, लेकिन आप स्पीड को पकड़िए ठीक है। बस इसका आप स्पीड पकड़िए ना, 3x लीजिए, आप उतना नोट करें जो थे कि आप आधा मिनट लीजिए, आधा मिनट फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। हम गई रखिए अपने सामने और आधा मिनट में निकाल दीजिए, जो भर भरी आपको जितना जंप करना कीजिए। दिस इज 3 - 10 + 1 यानी कि 4 - 10 - 6 डिवाइड बाय 25 और 34, सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज दिस वन। जो जंप करना कीजिए लेकिन कीजिए, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज दिस वन। बोले बस, तो ये आपका लाइन का एक पॉइंट निकालना, आपको इसी स्पीड से पकड़ना है। कोऑर्डिनेट हम लोग के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है, जो 6 नंबर 6 24 नंबर हमको दिलाएगा। अटेगा 24 नंबर का मतलब समझ में आता है ना, 24 नंबर का मतलब कम से कम 1 लाख क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है, वो बहुत ही मायने है। दिस इज -3 - 1 कर फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन ज्वाइनिंग 0 0 और 3 ज्वाइनिंग 0 0 और 4 5। तो बताओ प्रोसेस में तो कोई दिक्कत नहीं रहा होगा आपको, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। क्या प्रोसेस, सबसे पहले नीचे लाइन का इक्वेशन निकाल लीजिए, ना लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, नीचे लाइन का इक्वेशन निकाल दीजिए, ना लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया बस। तो इजी है, हम भी सोच रहे हैं मेरा बन जाएगा, लेकिन बना देने में क्या दिक्कत है, घड़ी लगाओ क्या, एक आधा मिनट मेरा बनता है कि नहीं, 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाले तो क्या हो जाएगा, दिस इज आर 5x - 4y + 4 = 0। ये लो पॉइंट इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ के, तो -15 + 4 और 25 और 9 16 25 41, और ये रिजल्ट यानी कितना हो गया, दिस इज 11/√41 ठीक बात। तो ये तेजी आपको लाना होगा, लाइए अगर कोई क्वेश्चन ईजी है तो तेजी लाइए, और अगर भूल गए तो रिवाइज कीजिए ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आई, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन। दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, जैसे x - 3y + 1 = 0, और ये आपका लाइन, दिस इज 3x, ठीक है, 3x + y + 2 = 0, और ये आपका लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, जैसे x + y + 7 = 0। तो निकल जाएगा बस, निकाल लीजिए, बैठो नहीं रहिए, जब निकालिए तुरंत इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, ये पॉइंट आ गया ना लेंथ का परपेंडिकुलर, तो आप निकाल ही सकते हैं।
अगर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, करो फाइंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड AD, तो क्या आप AD का लेंथ निकाल सकते हैं ना? तुरंत क्या होगा, BC का इक्वेशन निकाले, AD परपेंडिकुलर निकाले, मतलब क्वेश्चन देखते प्लानिंग, और प्लानिंग करने से क्वेश्चन बन गया, ठीक। बस तो ये इसका प्रोसेस, इसी का रिवर्स क्वेश्चन में क्या रहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऑनवेज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 टू, देखो जस्ट इसी का रिवर्स क्वेश्चन कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक ऐसा लाइन निकालिए विच इज पैरेलल टू दिस वन, 3x plus 4y plus 1 बराबर 0, एक ऐसा लाइन चाहिए विच इज पैरेलल टू दिस वन, जो इससे पैरेलल है, एंड विच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 2 3, और 2 3 से जिसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो उसका परपेंडिकुलर का लेंथ कितना हो, 4। बोलो अब से बनेगा बात, नहीं बनने का बात ही नहीं, हम भी जानते क्या बना लिया, लेकिन रफ्तार बढ़ा दीजिए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन, ये आपका वेट कर रहा था, बैठे नहीं रहिए, बढ़ाइए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन, तो तुरंत क्या होगा, इसका पैरेलल है, इसका इसका पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकाले, पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, दिस इज 3x + 4y + k = 0, ये आपका लेंथ ऑफ इक्वेशन आ गया। नाउ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन क्या हो जाएगा, तो दिस इज 6 + 12, नहीं जी, यहाँ स्लोन स्लो जाए, 3 6 हो गया 12, 12 12 6 18 प्लस के डिवाइड बाई रूट अंडर 5, रूट अंडर नहीं केवल 5, और दैट विल बी इक्वल टू 4, सो 18 प्लस के बराबर प्लस माइनस 20, लीजिए आपका के का मान निकल गया, और जिससे आप इक्वेशन निकाल सकते हैं, तो बनाइएगा तो बन जाएगा, स्लो कीजिएगा तो स्लो हो जाएगा, इसलिए बढ़ाइए रफ्तार और बना लीजिए, अभी बस इस क्वेश्चन को बना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ठीक है, 0a, एक ऐसा लाइन चाहिए जो 0a से होता हुआ जा रहा है, एंड ऑन द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, एंड ऑन विच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 2a टू a इज a, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन चाहिए जो 0a से होता हुआ जा रहा है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन चाहिए जो 0 जा रहा है, जरूर बनाओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन निकालिए इसका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो मैं घुमाएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान दो तो बनाया जा सकता है, देखो क्या दिमाग चल रहा है, किसका स्लोप, ठीक है, इसका पॉइंट कुछ मान ले ना, इसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला ले ले, डिस्टेंस फॉर्मूला ले ले, ठीक है बस, लेकिन बहुत मेथड भी लगा तो लेंथ ही बनता है, इसके सबसे अच्छा तरीका कि इसका स्लोप मान लो m, स्लोप मान लो m, तो क्या आप इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं m के टर्म में, m अननोन है, सो y माइनस a बराबर m इंटू x माइनस 0, y माइनस a बराबर m इंटू x माइनस 0, नाउ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू a, फायदा लिखा लो, सो लाइन का एक तरफ इक्वेशन दिस इज एम एक्स माइनस वाई प्लस ए बराबर 0, ये आपका लाइन का इक्वेशन, now the length of perpendicular is a, kya likhe, so 2am minus 2a plus a divided by root under m square plus 1 square, m square plus 1 square, now this length of perpendicular is equal to a, this length of perpendicular is equal to a, aur ye aapko fayda dikha sakta hai, lijiye aap isko proceed kar lo, a aur a, 2a mein se a kat gaya to a ho gaya, this is 2am, slow nahi ho jana ji, स्लो हुआ तो फिर रहा सब मेहनत खत्म, जब हमको एग्जाम में बनवे नहीं करेगा तो पूरा मेहनत तो कोई यूज नहीं रहेगी, आपको रफ्तार पकड़ के वहां बना गया ना, लिमिटेड समय है हम लोग के पास, एम स्क्वायर प्लस वन, लो अब इसको प्रोसीड कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, दिस इज 4m स्क्वायर, आप एकेडमिक कोर्स में नहीं पढ़ रहे कि आप सब खा जाइएगा तो कुछ नहीं है, आप रफ्तार बढ़ाइए, दिस इज एम स्क्वायर, 3m स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल टू 0, m का वैल्यूज m और 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0, m का दो मान 0 और 4 बाय 3, तो क्या अगर m का मान निकल गया तो इस इक्वेशन में बढ़ा के आप लाइन इक्वेशन ही निकाल सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक था पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, क्या आप जानते हैं, दो लाइन दिया हुआ है, दो लाइन दिया हुआ है, तो उसके पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस का निकालने का प्रोसेस, ठीक है, बात पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या था, दिस इज कोई भी लाइन पैरेलल लाइन का इक्वेशन तुम्हारे पास क्या हो गया, ए वन एक्स ए एक्स प्लस बी वाई अब प्लस सी वन बराबर 0, और ये लाइन का इक्वेशन जैसे ए एक्स प्लस बी वाई अब प्लस सी टू बराबर 0, अगर दो लाइन पैरेलल है तो इनके बीच का डिस्टेंस पता,
इनके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो फार्मूला तुम्हारे पास था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बिटवीन पैरेलल लाइंस C1 माइनस C2 और डिवाइड बाय रूट अंडर दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस फॉर्मूला से आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते। दो लाइन दिया हुआ है, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला। ध्यान रखना कि जब भी यूज करो तो एक्स स्क्वायर एक्स और वाई कोएफिशिएंट दोनों जगह सेम होना जरूरी है। कभी कभी धोखा देने के लिए अलग अलग रख सकता है, तो उसको पहले सेम करवा लेना और तब लेंथ निकाल देना। लो बना एक क्वेश्चन बनाई लो, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, लाइन का इक्वेशन निकाल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइन 3x + 4y + 1 = 0